नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए, आज है 26 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 25 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो हाल ही में उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शुभारंभ कहाँ पर किया है, तो ये रीवा में किया है। और ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से कितने मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाएगा, तो ये 6 मेगावाट की, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और 1 मार्च से 2 मार्च 2024 को डेयरी खाद्य पदार्थ, एग्रीकल्चर और धार्मिक पर्यटन के उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये उज्जैन में किया जाएगा, ठीक है। कब से कब तक? 1 से 2 मार्च तक। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में पीएम ऊषा योजना शुभारंभ किया गया है, तो ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पीएम ऊषा योजना का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान है पीएम ऊषा योजना का फुल फॉर्म। शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में किया गया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये सागर में। और हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी ओएसडी किसे नियुक्त किया गया है? आरके हिंगनकर को। और हरिनारायणचारी मिश्र जी भोपाल के पुलिस कमिश्नर हैं। राकेश गुप्ता इंदौर के पुलिस कमिश्नर हैं। सुधीर सक्सेना हमारे मध्य प्रदेश के महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक हैं। और 20 से 26 फरवरी 2024 तक खजुराहो नृत्य समारोह के किस संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो ये 50वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1975 में स्टार्ट हुआ था। और इस बार इसका आयोजन किस एकेडमी के द्वारा किया जा रहा है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला एकेडमी तथा मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किया गया था, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने प्रत्याशी को राज्यसभा में निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो ये 5 प्रत्याशी को, ठीक है। कौन कौन से? एल मुरुगन तमिलनाडु से है, उमेश नाथ महाराज उज्जैन से है, बंसीलाल गुर्जर ये मंदसौर से हैं, और माया नारोलिया ये नर्मदापुरम से है। इनका नाम याद रखिएगा, माया नारोलिया का, ये क्योंकि महिला राज्यसभा सांसद बनी है, ठीक है। तो माया नारोलिया नर्मदापुरम से है, और ये चारों जो सांसद बने हैं राज्यसभा सांसद ये बीजेपी के है। एक कांग्रेस से भी निर्वाचित हुए हैं, वो कौन है? तो अशोक सिंह जो कि ग्वालियर से है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 11 है। यहाँ पर माया नरोलिया का नाम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये अभी राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई है। और हाल ही में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत देश का पहला आवास किस जिले में बनाया गया है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, हाल ही में साउथ एशियन ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज में MPTB यानी मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को बेस्ट टूरिज्म स्टेट बोर्ड का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश को बेस्ट टूरिज्म स्टेट बोर्ड का अवार्ड दिया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2017 में की गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, ये क्वेश्चन 2021 MPPAB और अभी हाल ही में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें भी पूछा गया था मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2017 में की गई थी। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को साउथ एशियन ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज में बेस्ट टूरिज्म स्टेट बोर्ड का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। देखिए, बात करें मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की, तो इसकी स्थापना 2017 में हुई थी, और इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। बोर्ड का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक निजी भागीदारी, निवेशक सुविधा, कौशल विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार और पर्यटन बुनियादी ढांचों की पहचान और विकास के माध्यम से स्थायी रूप से पर्यटन का विस्तार करना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध निदेशक कौन है? श्री शिवशेखर शुक्ला जी हैं। और यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल जैसे खजुराहो, सांची स्तूप और भीमबेटका के रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और देखिए, खजुराहो को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में शामिल किया गया था, ठीक है। सांची स्तूप को 1989 में शामिल किया गया था, और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में शामिल किया गया था, ठीक है। और खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? तो ये छतरपुर में है, सांची स्तूप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, और भीमबेटका की गुफाएं भी कहाँ पर है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है।
और देखिए इसके पहले विश्वविख्यात पर्यटक मार्गदर्शी संस्था ट्रिप एडवाइजर्स यूएस के ट्रेवलर चॉइस अवार्ड 2023 में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की 12 इकाइयों ने ट्रिप एडवाइजर्स एनुअल ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड जीता है और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की ओरछा स्थित बेतवा रिट्रीट संस्था ने बेस्ट ऑफ बेस्ट अवार्ड जीता है। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश के पर्यटन गंतव्यों के प्रचार प्रसार, नवाचार करने, पर्यटकों को अनुभव आधारित पर्यटन प्रदान करने एवं पर्यावरण अनुकूल पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुई देश की प्रमुख ट्रेवल प्रदर्शनी स्टेट, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को बेस्ट टूरिज्म स्टेट बोर्ड का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड स्टॉल पर आगंतुकों को सांची, अमरकंटक, नर्मदा के घाटों और अन्य गंतव्यों के वर्चुअल टूर का अनुभव करने का भी मौका मिला। बोर्ड को यह सम्मान पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास, स्थानीय समुदाय के आर्थिक विकास, राज्य की संस्कृति और विरासत के संरक्षण इत्यादि क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रदर्शन के आधार पर दिया गया है। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों का विकास करने की दृष्टि से वर्ष 1978 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का गठन किया गया था। देखिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो ये 2017 में किया गया था। ठीक है, और मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया था, तो ये 1978 में किया गया था, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन 1978 में और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो ये 2017 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है डॉक्टर नरेंद्र कुमार कोष्टी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र कुमार कोष्टी जी को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो ये 5 होनी चाहिए। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 5 होना चाहिए और इनमें से राज्यपाल जो है वो 1 को अध्यक्ष नियुक्त करता है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 में किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को किया गया था। हाल ही में एक MPPSC का ही एग्जाम हुआ था, शायद फॉरेस्ट का हुआ था या किसी का हुआ था, उसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रथम परीक्षा है वो कब आयोजित की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रथम परीक्षा कब आयोजित की गई थी, तो ये 1958 में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, राजेश लाल मेहरा जी हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, DV रेगे जी थे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, बसंत प्रताप सिंह हैं। और अभी हाल ही में राकेश गुप्ता जी को इंदौर पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये रीवा में है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के जो प्राध्यापक हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार कोष्टी, तो इनको राज्यपाल के आदेशानुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए विश्व की पहली वैदिक घड़ी हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित की जा रही है, तो ये उज्जैन शहर में स्थापित की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो है हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थापित की जा रही है। और देखिए विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ पर 21 जून को सूर्य 90 डिग्री लंबवत होता है, वो भी कौन सा है, तो वो उज्जैन है। ठीक है, तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थापित की जा रही है और इसका जो लोकार्पण है वो 1 मार्च को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी करेंगे। और देखिए जो वैदिक घड़ी है वो जीवाजी वेधशाला परिसर में लगी है और जीवाजी वेधशाला परिसर को ही जंतर मंतर कहा जाता है। देखिए विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की जा रही है और यह दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल वॉच होगी जिसमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम के साथ पंचांग और मुहूर्त की जानकारी मिलेगी। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग, श्री राम मंदिर और कैलाश मानसरोवर को भी दर्शाया गया है। इसकी ऐप आरोह श्रीवास्तव ने तैयार की है और यह ऐप और घड़ी सूर्योदय, सूर्यास्त, सूर्य चंद्र ग्रहण, पंचांग, मौसम से जुड़ी जानकारियां बताएगी। और घड़ी का लोकार्पण जो है वो 1 मार्च को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कालिदास संस्कृति एकेडमी में रखे 2 दिवसीय विक्रम व्यापार मेला, 40 दिवसीय विक्रमोत्सव और व्यापार मेले के उद्घाटन समारोह में करेंगे। देखिए वैदिक घड़ी जीवाजी वेधशाला परिसर में लगी है, इसे जंतर मंतर भी कहा जाता है। इसका इतिहास 300 साल पुराना है। जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त के अनुसार मालवा के गवर्नर रहे
महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने सन 1719 में उज्जैन में जीवाजी वेधशाला का निर्माण कराया था। इसके बाद दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी में भी वेधशाला का निर्माण कराया गया था। और सवाई जयसिंह ने कालगणना के लिए सभी वेधशालाओं में सम्राट यंत्र, नाड़ी विलय यंत्र, भित्ति यंत्र और दिगंश यंत्र का भी निर्माण कराया था। देखिए अभी हाल में किस राज्य सरकार के द्वारा कक्षा एक से बारहवीं तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल दिवस की घोषणा की है, तो ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कक्षा एक से बारहवीं तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल दिवस की घोषणा की है। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा एक से लेकर बारहवीं तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल दिवस की घोषणा की है। और यह निर्णय राज्य में संचालित सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होता है। इस पहल में प्रत्येक सप्ताह एक निर्दिष्ट बैगलेस स्कूल दिवस शामिल है, जिसके दौरान छात्रों को खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत जैसी मनोरंजक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल को छात्रों के लिए तनाव का स्रोत नहीं बल्कि आनंद का स्रोत माना जाए। और देखिए, इसके पहले हमने क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो आज हम नोबेल प्राइज डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा किसका, इकोनॉमी का। देखिए नोबेल प्राइज जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इकोनॉमी की बात करें, तो इकोनॉमी में किसे मिला है, ये क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। ठीक है, ये अमेरिका से है। तो गोल्ड से याद रखिएगा, इकोनॉमी का किसे मिला है, गोल्ड। गोल्ड एक सोना है और जो कि बहुत महंगा होता है, तो इकोनॉमी में क्लाउडिया गोल्डिन का नाम याद रखिएगा। इनको इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 मिला है। और इनको किस कार्य के लिए मिला है, तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ बढ़ाने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, शांति के क्षेत्र में किसे मिला है, नरगिस मोहम्मदी। ये तो सबको याद ही है, नरगिस मोहम्मदी को जो है ये ईरान की है, तो इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, नरगिस मोहम्मदी को। किस कार्य के लिए मिला है ये पुरस्कार, तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो अगर हम लिटरेचर में देखें, तो लिटरेचर में किसे मिला है, ये जॉन ओलाव फॉसे को मिला है। ठीक है, जॉन ओलाव फॉसे को मिला है। और ये कहाँ से है, ये नॉर्वे से है। ठीक है, तो जॉन ओलाव फॉसे को नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में मिला है, तो लिटरेचर में मिला है। और देखिए, साहित्य एक ऐसी चीज है जिसे पढ़ो तो आदमी उसमें क्या है, फंस ही जाता है। तो इसे याद रखिएगा कि लिटरेचर यानी साहित्य में किसे मिला है, जॉन ओलाव फॉसे को। ये कहाँ से है, नॉर्वे से है। ठीक है, तो तीन पुरस्कार याद हो गए हमको, एक तो साहित्य में जॉन ओलाव फॉसे को, शांति में नरगिस मोहम्मदी को जो कि ईरान से है, इकोनॉमी में किसे मिला है, तो ये क्लाउडिया गोल्डन को। ठीक है, गोल्डन को। और यहाँ बात करें हम चिकित्सा के क्षेत्र में, नोबेल प्राइज 2023 से किसे किसे सम्मानित किया गया है, तो ये कैटालिन कारिको को और डू विस्मैन को। ठीक है, कैटालिन कारिको जो है ये हंगरी से है, और डू विस्मैन कहाँ से है, तो ये अमेरिका से है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे, देखिए अगर आपका पैर या हाथ कट जाता है तो आप किसके पास जाओगे, मेडिसिन लेने जाओगे। ठीक है, बात करें तो यहाँ से कैटालिन कारिको का नाम याद रखिएगा। ठीक है, कैटालिन कारिको को मेडिसिन में मिला है। अब यहाँ पे विस देखिए आप, ठीक है, विस्मैन, विस मतलब क्या होता है, जहर भी होता है, तो विस्मैन, अगर आप जहर पी रहे हो तो भी आपको मेडिसिन में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा, कैटालिन कारिको और डू विस्मैन, इनको मेडिसिन में मिला है। और डू विस्मैन कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। कैटालिन कारिको कहाँ की है, तो ये हंगरी की है। ठीक है, इनको किस कार्य के लिए मिला है, तो देखिए न्यूक्लियोसाइड्स बेस संशोधनों से संबंधित खोजों, जिन्होंने COVID-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया है। ठीक है, अब बात करें रसायन शास्त्र में नोबेल प्राइज की, रसायन शास्त्र में नोबेल प्राइज की बात करें हम, तो देखिए किसे मिला है, तीन व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन से, एक तो मोंगी जी बावंडी, लुइस ई ब्रस और एलेक्जी आई एकिमोव। ठीक है, एलेक्जी आई एकिमोव। अब आप इसको याद कैसे करोगे, तो देखिए याद करने की ट्रिक क्या है, एलेक्जी ने सबसे पहले मैगी खाई। ठीक है, अब मैगी में बहुत ज़्यादा केमिकल था तो उसने ब्रश किया। ठीक है, देखिए सबसे पहले कौन, एलेक्जी का नाम याद रखिएगा। एलेक्जी ने मैगी खाई और मैगी में बहुत ज़्यादा केमिकल था, तो केमिकल होने के कारण इसने सबसे ज़्यादा मैगी खाने के बाद ब्रश किया। ठीक है, तो याद हो गया, एलेक्जी आई एकिमो जो कि रूस से हैं, मोंगी जी बावंडी ये फ्रांस से हैं, तो इनको भी नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में, तो रसायन क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री में। ठीक है, और लुइस ई ब्रस को भी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है केमिस्ट्री में। ठीक है,
तो एलेक्सी ने सबसे पहले मैगी खाई, उसके बाद ब्रश किया, ठीक है, इससे याद रखिएगा। और इनको किस कार्य के लिए दिया गया है, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। बात करें यहाँ पर फिजिक्स में, फिजिक्स में किसी किसे मिला है, पियरे ऑगस्टिनी, फ्रैंक ग्रॉस और एनी एल व्हीलर, ठीक है। पियरे ऑगस्टिनी जो है वो ट्यूनिशिया से है और फ्रैंक क्रॉस जो है वो हंगरी से है और एनी एल व्हीलर कहाँ से है, तो ये फ्रांस से है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे, तो जो फिजिक्स की क्लास है इसमें एनी और पियरे, ठीक है, एनी और पियरे दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो इससे याद रखिएगा कौन कौन फिजिक्स की क्लास में एनी और पियरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, ठीक है। हो जाएगा एनी एल व्हीलर, पियरे ऑगस्टिनी और फ्रैंक क्रॉस, इन तीनों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। और इनको किस कार्य के लिए मिला है, तो प्रायोगिक विधिया जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करती है। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरला ग्रेवाल, नंदनी असतपति, आनंदीबेन पटेल, द्रौपदी मुर्मू, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2022 में पूछा गया था, ठीक है। देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर सैटरडे जो क्वीज हुआ था 20 क्वेश्चन का, आज भी होगा, तो देखिए सैटरडे जो क्वीज हुआ था 20 क्वेश्चन का, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो वी 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 की आई है, सेकंड रैंक पूर्णिमा तिवारी की आई है और जो थर्ड रैंक है वो टायरलेस सॉल की आई है, ठीक है। और इसको लगभग 163 लोगों ने अटेम्प्ट किया था, तो देखिए आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, आज भी इस पर 20 क्वेश्चन का क्वीज होगा और आज से डेली होगा, मंडे से सैटरडे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके लिए इतना ही, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।